सुंबल को तबरीज़ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और तबरीज से कहती है कि आखिर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम दोनों यादन को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो ऐसी क्या बात है क्या वजह है क्या मैं जान सकती हूँ इस पर आप देखेंगे कि तबरीज कहता है कि यह तुम्हारा मसला नहीं है ये मेरा मसला है इससे तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसलिए अपने काम से काम रखा करो आगे से वो कहती है कि आजकल मैं नोट कर रही हूँ तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही है यानी कि तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चलने लगी है दरअसल उसके बाप ने जो बात उसके दिमाग में डाल दी है इसकी वजह से उसकी ज़ुबान कैंची की तरह तेज़ हो चुकी है और वो अपना रोग जमाने के लिए बड़ी ही बातें शातें करता रहता है क्योंकि उसके बाप ने कहा है उसको कि सारा कुछ तुम्हारा है और तुम धड़ल्ले से इधर रह सकते हो धड़ल्ले से हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो अब इस बात को लेकर तब का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो चुका है और वो अब सुंबल को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ चुका है क्योंकि अब वो जानता है असल हकीकत यह है कि वो दुरेतन को छोड़ना ही नहीं चाहता है सुबल के साथ एक मजबूरी है रहना उसकी लेकिन सुंबल को छोड़ना तब उसको दुरेतन को छोड़ना उसके बस की बात नहीं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है उसका बाप उसको कहता है कि काफ़ी देर होगी तुमने घर में चक्कर नहीं लगाया कब आ रहे हो हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हमारे घर में तो शादी की तैयारियाँ भरपूर तरीके से चल रही हैं लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है आगे से आप देखेंगे कि कि वो कहता है कि मुझे बहुत सी परवाह है आप लोगों की आप लोगों के लिए ही मैं इधर बैठा होता हूँ अगर मुझे आप लोगों की फिक्र ना होती तो कब का मैं इस चुड़ैल को छोड़कर आ जाता और वाकई में सुंबल चुड़ैल ही है जिसके साथ रहनाई मुश्किल है